नमस्कार दोस्तों, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा अगर आप भी इस प्रोजेक्ट के साथ कहीं पर भी जुड़े हो तो। दोस्तों, एक CTC नाम का एयरड्रॉप चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर और अच्छे खासे टोकन वहां पर मिल रहे हैं। और दोस्तों, वो टोकन अगर आप स्टेकिंग के ऊपर लगाते हो तो आपको डेली 1% BUSD में रिटर्न मिलेगा। यानी अगर आप यहाँ पर इनके वेबसाइट के ऊपर $100 स्टेकिंग लगाते हो तो डेली आपको यहाँ पर 1 से 1.5% का रिटर्न मिलने वाला है उन $100 के ऊपर। तो हम उसी कॉइन के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना या फिर इसको होल्ड करना सही रहेगा या फिर इस प्लान के अंदर पोजीशन लेना सही रहेगा। हम BSE स्कैन के ऊपर है। इसका टोटल सप्लाई सबसे पहले देखिए, लगभग 10 करोड़ का टोटल सप्लाई है। तो चलिए वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि ये एक प्ले टू अर्न कॉइन है, यानी गेम खेलकर यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप स्टेकिंग लगा के भी अर्निंग कर सकते हो और स्टेकिंग का जो APR होने वाला है दोस्तों, 1076% का API मिलने वाला है आपको यहाँ पर। उस पर भी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर बात करें। वेबसाइट का जो क्वालिटी है दोस्तों, वो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी है। प्ले टू अर्न गेमिंग है और ऊपर से बैटल ग्राउंड गेम्स है इसके अंदर, यानी कि फायरिंग वाले गेम्स। और इतना थर्ड क्लास वेबसाइट, क्योंकि ऐसे जो गेम्स है दोस्तों, उनको बहुत ही बढ़िया हाई लेवल का उसके अंदर ग्राफिक्स रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं प्ले टू अर्न बनाएंगे लाइक दोस्तों बैटल ग्राउंड BGMI जो हमारे इंडिया में है, या पूरी पुराना नाम उसका PUBG, तो उस टाइप का ये उसके अपोनेंट बन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। मेटावर्स बनाएंगे बोल रहे हैं एंड उस तरह का ये एक इकोसिस्टम बनाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है दोस्तों। इतनी छोटी टीम है, ऊपर से आप वेबसाइट के ऊपर से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड दूसरा दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्लान उन्होंने लॉन्च किया है एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आप स्टेकिंग लगाते हो इनके कॉइन खरीद कर, तो आपको 1000% तक का API मिलेगा। तो कितना ये सही है, चलिए देखते हैं इनके टेलीग्राम के ऊपर जाकर। तो दोस्तों, हम इनके ग्रुप में आ चुके हैं एंड ग्रुप के अंदर लगभग 1.25 लाख के आसपास यहाँ पर मेंबर्स है। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भरोसा मत करना, एकदम न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, यानी कि इसको हफ्ता भी नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट को बने हुए। यहाँ पर एयरड्रॉप करके एंड हैवी मार्केटिंग करके इन्होंने मेंबर्स बना तो लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इन्होंने एक IGO या ICO लॉन्च किया है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप कॉइन बाय करते हो तो आपको यहाँ पर कॉइन सस्ते में मिलेंगे, बट वो जो आपके कॉइन्स होंगे दोस्तों, वो लॉक रहेंगे, यानी आप उसे बेच नहीं सकते। फिर उन कॉइन्स को आपको स्टेकिंग लगाना पड़ेगा एंड उन कॉइन्स को स्टेकिंग लगा के आप डेली BUSD कमा सकते हो। ऑफर देख के काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, डेली 1% मिलेगा, तो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो होता क्या है दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 1000 इन्वेस्ट किया तो आपको डेली 1-1% तो मिलता है, बट पहले 200 दिन आपको आपका ही 1-1% मिलता रहेगा। यानी पहले जो मिलेंगे कॉइन्स वो आपके ही पैसे आपको दे दिए जाएंगे। और उसके बाद में इसकी एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे डंप होगी, या फिर दूसरा आपके जो कॉइन्स है दोस्तों वो यहाँ पर कभी अनलॉक ही नहीं होंगे। यानी आपने जो कॉइन्स IGO या ICO जो भी है उसके अंदर बाय किए हैं वो आप कभी बेच ही नहीं पाओगे, और ना ही उनकी वेबसाइट के ऊपर से अपने कॉइन वापस ले पाओगे। जब भी आप उनकी वेबसाइट ओपन करोगे, वेबसाइट लोडिंग आएगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमने क्रिप्टो में पहले देखी है। तो अगर आप न्यू हो तो मैं यहाँ पर आपको पहले ही अवेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है एंड ट्रस्ट वॉलेट के अंदर इसका प्राइस भी शो हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि अगर कॉइन ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर लिस्टेड है तो वो सेफ है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अच्छी क्रिप्टो करेंसी लिस्ट होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई भी फालतू की क्रिप्टो करेंसी भी ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या फिर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट हो सकती है, तो बी अवेयर रहिए। मैंने जो कहा है, ऐसे हेवी API के लालच में मत पड़िए। अभी 52 रुपीज़ का एक कॉइन है, बाद में ये 50 पैसे का भी नहीं मिल सकता। थोड़ा बहुत पंप यहाँ पे बीच में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसके अंदर रुकते हो तो
तो काफ़ी हेवी लॉसेस हो सकते हैं, बिजनेस मॉडल भी बेकार है, साथ में API बढ़ा देकर यहाँ पर आपको जाल में फंसाने का प्लानिंग भी हो सकता है। तो बहुत इससे अवेयर रहिए, बहुत दूरी रहिए इस प्रोजेक्ट से, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर मैं इस मामले में गलत हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है आने वाले 5-6 महीने बाद भी लोगों को प्रॉफिट देता रहता है, तब मैं आकर यहाँ पर लाइव सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। बट मैं 101% श्योर हूँ कि यहाँ पर गड़बड़ होगी, ना प्रमोटर का आता पता है, ना यहाँ पर कॉइन जो है उसका कोई ऑडिट रिपोर्ट है, अपने ही लोगों से ऑडिट रिपोर्ट बनवाया, साथ में दोस्तों इसके अंदर बाइंग सेलिंग टैक्सेस भी है, उसके बाद में यहाँ पर आपके टोकन जो है लॉक करने का फीचर भी है। तो अच्छा खासा यहाँ पर प्लानिंग के साथ हमें स्कैम किया जा सकता है। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स है, इस प्रोजेक्ट से बच के रहिए। थैंक यू।